कंटेनर से 20 क्विंटल से अधिक अफीम ढोड़ा चुरा किया जब्त। पायलटिंग कर रहे एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप एमपी 7 न्यूज चैनल। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले की विशेष बड़ी खबर। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने शुक्रवार को नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध डोड़ा चूरा जब्त किया। जब्त डोड़ा चूरा की मात्रा 20 क्विंटल 2 किलो 100 ग्राम है। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त गाड़ी की पायलटिंग कर रहे एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ एवं लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी अर्जुन सिंह शेखावत के निर्देशन एवं डीएसपी निम्बाहेड़ा आशीष कुमार व थाना अधिकारी फूलचंद के सुपरविजन में शुक्रवार को उप निरीक्षक इंचार्ज थाना अश्विन कुमार थान द्वारा थाने के जाब्ता एएसआई सूरज कुमार, कानी रतन, अमित ईश्वर, ज्ञान प्रकाश व सरियाराम के साथ जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से एक कंटेनर की पायलटिंग कर एक मोटरसाइकिल आई, जिसे पुलिस द्वारा हाथ का इशारा कर रोकने का प्रयास किया तो चालक द्वारा मोटरसाइकिल की तेज गति को धीमी कर दोनों व्यक्तियों द्वारा अपने पीछे तरफ से आ रहे एक बंद बॉडी आयसर कंटेनर के चालक को भागने का इशारा कर मोटरसाइकिल को अचानक वापस घुमाकर नीमच की तरफ वाली रोड पर ही भगाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा दोनों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस से बचकर भागने के दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से पीछा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति रोड पर नीचे गिर गया। कंटेनर चालक द्वारा नाकाबंदी स्थल से पहले कंटेनर को आम रोड पर खड़ा कर मौके से फरार हो गया। इंचार्ज थाना अश्विन कुमार द्वारा कंटेनर के नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कंटेनर में कुल 112 प्लास्टिक के कट्टे मिले, जिनका वजन 2002 किलोग्राम 100 ग्राम हुआ। उक्त अवैध अफीम डोड़ा चूरा को जब्त किया। मोटरसाइकिल से कंटेनर की पायलटिंग करने वाले एक मध्य प्रदेश के राजनगर मोरवन थाना जिला नीमच निवासी 38 वर्ष गोपाल पिता हीरालाल चंदेल जाति बंजारा को गिरफ्तार किया गया। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है तथा गिरफ्तार आरोपी से अफीम डोड़ा चूरा खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहें हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़ चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।